ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं बिहार ग्रामीण बैंक का चेयरमैन हूँ, जो यूको बैंक का स्पॉन्सर बैंक है, और बिहार में सभी बैंकों से सबसे ज़्यादा सीडी रेशियो, यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब ये होता है कि जितना डिपॉजिट आपने लिया है उसमें कितना परसेंटेज आपने लोन उस एरिया में दिया है, बिहार ग्रामीण बैंक का सभी से ज़्यादा है, 71% है। सभी बैंकों का मिला के देखा जाए तो खाली 40% है। इस चीज़ को बिहार फाउंडेशन ने रिकॉग्नाइज़ किया और मुझसे ये चाहा कि आपने ये कैसे प्राप्त किया होगा। हमने एक सीधी सी बात कही है कि यहाँ पर अंडर फाइनेंसिंग बहुत होता है। किसान को अगर 50,000 रुपये चाहिए तो 20,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, स्केल ऑफ फाइनेंस को फॉलो नहीं किया जाता है। हमने स्केल ऑफ फाइनेंस को फॉलो किया और आज हमारा एवरेज 60,000 रुपया है प्रति किसान, जो कि 23,000 रुपये होता था। यही कारण है कि हमारा सीडी रेशियो बहुत ज़्यादा है। और हम JLG के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे गांवों में ऋण प्राप्त उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह से हमारे 632 BCA सेंटर हैं, जो कि गांव में गांव का ही आदमी माइक्रो ATM के मार्फत से डोर टू डोर सर्विस देता है, इससे हमारा क्रेडिट रेशियो बढ़ता है। इसी तरीके से हमारे पास में JLG हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, यानी जिन किसानों के पास में ज़मीन नहीं है, जिनके पास LPC नहीं है, उनको ऋण देना संभव नहीं होता है। हमने JLG का एक ग्रुप बनाया जिसमें 4 या 5 लोगों को समूह बना करके उनको ऋण देते हैं और आपस में एक दूसरे गारंटी देते हैं। इस तरीके से भी हमने सीडी रेशियो बहुत बढ़ाया है। आज हमारी 400 शाखाएं हो गई हैं, 632 BCA सेंटर हैं, 8,000 करोड़ का बैंक का बिजनेस है और ये पिछले 2-3 साल में ऐसा हुआ है। इसमें हमारा बिहार की जनता के डेवलपमेंट के लिए, गरीबों के डेवलपमेंट के लिए सोलर एनर्जी का हमने बहुत काम किया है, हमने फिशरी पर बहुत काम किया है। ये सारी चीज़ें मिला के हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में डेवलपमेंट हो।